हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से यूट्यूब चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप 5 मिनट की हमारी ये वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अखंडा 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी गोयापति सिरु ने की है और इसे द्वारका क्रिएशंस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में नदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जायजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमाकर कमर्शियल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा केरल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैन अवी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरु। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मरियाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी नाडामुरी बाला कृष्णा, और इसके साथ और हैं परगुवा जसवाल, और इसके अलावा और हैं जगपति बाबू, और इसके साथ और हैं, इनका साथ और भी दे रहे हैं वो श्रीकांत है। सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी की है सी रम प्रेस ने, एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात कर ली जाए, इस फिल्म को जिसने म्यूजिक किया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2021 को है। 167 मिनट पर मोहित ये मूवी है। ये जो मूवी है ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पॉट कास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं, यानी कि जो हीरो हैं, वो हैं नाधा मोरी ब्लैक रेशाना इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा। प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS। जगपति बाबू एज निथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहू। पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरीलाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिले तस्वीर जंगल में शुरू होती है, जहां हिंदुस्तानी फौज
एक खौफनाक प्रेग्नेंट किजेंद्र साहू की सख्त तलाश में। इस तसादुम के दौरान किजेंद्र साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कायनात को कभी चैलेंज ना करना क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसी वक्त आंतपुर में एक जोड़े राम चंद्रिया और रानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है। अचानक एक पकोड़ा घोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा कितना भाई है। जैसे भगवान शिवा चुनाचे राम चंद्र याने रस्सियाँ काटी और इसे अखोड़ा के हवाले कर दिया जिसे काशी भेजा गया है। जबकि जब वो मुकद्दस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अखोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूता मरली कृष्ण एक सालिस है जिसे देवता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराव से फले फूले। सरनिया बच्चू पुली एक नए तैनात होने वाले डीसी हैं जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफत ने इनके नज़रियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवाजी तौर पर अंता पोरम वार दाद जोलू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी कानूनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर सौ एक रूह के तौर पर वारदात ज्वालों की राह हमवार करते हैं क्योंकि ये हरी मट्टी है। सरनिया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक इस इलाके में मुतद्दद बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां लाहक डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर है, लिहाजा घबराहट में मरली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब पद्मावती ने वर्धुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेशगोई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना यह खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मरली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठी। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त दारा जोलू गिंदर सहू के पास चला जाता है जो अस्पताल में बम रख कर भागता है। इसमें भारत रैली समेत कई अमवात हुई। इसके बाद मरली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया पेरोमल की सरबराही में NIA ने मुजरिम ठहराया, जेल में डाल दिया। आखिरकार मरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। सरनिया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदात जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई यहां मरली कृष्णा के बड़े भाई अकंडा उर्वाद सिकंदर खूर माफूक उल्फितरत ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है, भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकफित होने के बाद गिंदर साहू खौफजदा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा DSP रंजन वारदात जोलू के साइड केक ने सरनिया और
पुणे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बद किरदार अफसरों को खत्म करता दिखाई देता है। फौरन वरजन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर सहो की रस्म में खलल डालता है। दरियासना धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है। जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है, फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी जिंदगी रब के लिए वक्फ है, जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। और करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदार जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हुआ। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया परुमल को मालूम है कि मरली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते। अभी तक गिंदर साहू हंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से रब्ता करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है, जो महा मुतंजे होम के इनाकात की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अकंडा शिवा का असीर है। बर वक्त गिंदर साहू और परपर चंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको खेल लिया। ताहम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मरली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से ख़त्म करता है। आखिरकार अकंडा इसे जबरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का इख्तिताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है, जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है। जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है। अकंडा 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसकी तहरीर और हिदायतकारी बोयापति सिरू ने की है और इसे द्वारका क्रिएशंस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में लदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जायजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमाकर कमर्शियल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा केरल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैन अवी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पेनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरलू। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मरियाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी नाडामुरी बाला कृष्णा। और इसके साथ और हैं परघुवा जसवाल, और इसके अलावा और हैं जागापति बाबू, और इसके साथ और हैं इनका साथ और भी दे रहे हैं वो श्रीकांत है। सैनमा और ग्राफी की बात कर ली जाए तो सैनमा ग्राफी की है सी रम प्रेस।
ने एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात कर ली जाए इस फिल्म को जिसने म्यूजिक किया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2021 को है। 167 मिनट पर मोहित ये मूवी है। ये जो मूवी है ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पॉट कास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं यानी कि जो हीरो हैं वो हैं नाधा मोरी, ब्लैक रेशाना इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा, सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा, प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS, जगपति बाबू एज नेथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहु, पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिले तस्खीर जंगल में शुरू होती है जहां हिंदुस्तानी फौज एक खौफनाक प्रेग्नेंट किजेंद्र साहू की सख्त तलाश में। इस तसादम के दौरान किजेंद्र साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कायनात को कभी चैलेंज ना करना क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। इसी वक्त अंतपुर में एक जोड़े राम चंद्रिया और रानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है। अचानक एक पकौड़ा घोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा कित्ता भाई है। जैसे भगवान शिवा चुनाचे राम चंद्र याने रस्सियाँ काटी और इसे अखोड़ा के हवाले कर दिया जिसे काशी भेजा गया है। जबकि जब वो मुकदस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अखोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूटा मरली कृष्णा एक सालिस है जिसे देवता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराव से फले फूले। सरनिया बच्चों पुली एक नए तैनात होने वाले DC हैं जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफत ने इनके नज़रियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवाजी तौर पर अंता कोरम वार दाद जोलू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी कानकुनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर सौ एक रूह के तौर पर वारदात ज्वालों की राह हमवार करते हैं क्योंकि ये हरी मट्टी है। सरनिया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक
इस इलाके में मुतअद्दिद बच्चों को अजीब व गरीब बीमारियां लाहक डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर, लिहाजा घबराहट में मल्ली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब फदमाती ने वर्दुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेश गुई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना ये खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मल्ली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठी। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त वारदारा जुलू गिंदर सहू के पास चला जाता है जो अस्पताल में बम रख कर भागता है। इसमें भारत रेड्डी समेत कई अमवात हुई। इसके बाद मल्ली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया पेरोमल की सरबराही में NIA ने मुजरिम ठहराया और जेल में डाल दिया। आखिरकार मल्ली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। उसर्निया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदात जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई, यहाँ मल्ली कृष्णा के बड़े भाई अकंडर उर्वाद सिकंदर उखूर माफूक उल फितरत ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है, भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकिफ होने के बाद गिंदर साहू खौफजदा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा DSP रजन वारदात जोलू के साइड केक ने सरनिया और पूरे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बद किरदार अफसरों को खत्म करता दिखाई देता है। फौरन वरजन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर सहों की रस्म में खलल डालता है। दरियासना धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है। जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है, फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी जिंदगी रब के लिए वक्फ है, जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया और करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया। इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदात जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हो। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया पेरुमल को मालूम है कि मल्ली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते हैं। अभी तक गिंदर साहू हंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से रابطہ करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है जो महा मुतंजे होम के इनाकात की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अकंडा शिवा का असीर है। बर वक्त गिंदर साहू और वरपर चंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको घेर लिया। ताहम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मल्ली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से ख़त्म करता है। आखिरकार अकंडा इसे जबरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का अख्ताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है, जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है। अखंडा
2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसकी तहरीर और हिदायतकारी भोयापति सिरु ने की है और इसे द्वारका क्रिएशंस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में लदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई कंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जैजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमा कर कमर्शल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा केरल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैन अवी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरु। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मरियाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी नाडामुरी बाला कृष्णा। और इसके साथ और हैं परगुआ जायसवाल, और इसके अलावा और हैं जगपति बाबू, और इसके साथ और हैं इनका साथ और भी दे रहे हैं वो श्रीकांत है। सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी की है सी रम प्रेस ने, एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात कर ली जाए इस फिल्म को जिसने म्यूजिक दिया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2021 को है। 167 मिनट पर मोहित ये मूवी है। ये जो मूवी है ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टारकास्ट और स्पॉटकास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं, यानी कि जो हीरो हैं वो हैं नाधा मोरी ब्लैक रेशाना इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा। प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS। जगपति बाबू एज निथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहू। पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिले तस्वीर जंगल में शुरू होती है, जहां हिंदुस्तानी फौज एक खौफनाक ब्रेगनेंट गिजेंद्र साहू की सख्त तलाश में। इस तसादम के दौरान गिजेंद्र साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कायनात को कभी चैलेंज ना करना क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसी वक्त अंतपुर में एक जोड़े राम चंद्रिया और रानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली, जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है।
अचानक एक पकोड़ा उस वक्त आता है घोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है, और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा कितना भाई है। जैसे भगवान शिवा चुनाचे राम चंद्र याने रस्सियाँ काटी और इसे अखोड़ा के हवाले कर दिया, इसे काशी भेजा गया है। जबकि जब वो मुकद्दस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अखोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूता मरली कृष्णा एक सालिस है जिसे देवता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराफ से फले फूले। सरनिया बच्चों पुली एक नए तैनात होने वाले टीसी हैं जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफत ने इनके नज़रियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवाजी तौर पर अंता कोरम वार दाद जोलू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी कानूनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर सौ एक रूह के तौर पर वारदात ज्वालों की राह हमवार करते हैं क्योंकि ये हरी मट्टी है। सन्या को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक इस इलाके में मुतद्दद बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां लाहक डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर है। लिहाजा घबराहट में मरली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब पद्मावती ने वर्धुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेशगोई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना ये खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मरली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठे। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त वारदारा जोलू गिंदर सहू के पास चला जाता है जो अस्पताल में बम रखकर भागता है। इसमें भारत रेड्डी समेत कई अमवात होती। इसके बाद मरली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया पेरोमल की सरबराही में NIA ने मुजरिम ठहराया और जेल में डाल दिया। आखिरकार मरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। उस सरनिया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदात जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई यहाँ मरली कृष्णा के बड़े भाई अकंडा उर्वाद सिकंदर खूर माफूक उल्फितरत ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है, भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकिफ होने के बाद गिंदर साहू खूफ ज़दा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा DSP रंजन वारदात जोलू के साइड केक ने सरनिया और पूरे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बद किरदार अफसरों को ख़त्म करता दिखाई देता है। फौरन वरजन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर साहू की रस्म में खलल डालता है। दरियासना धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है। जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी जिंदगी रब के लिए वक्फ है जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया।
गौर करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदार जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया पेरुमल को मालूम है कि मरली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते हैं। अभी तक गिंदर साहू हंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से राब्ता करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है जो महामुतंजे होम के इनाकात की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अकंडा शिवा का असीर है। बर वक्त गिंदर साहू और परपर चंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको घेर लिया। ताहम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मरली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से ख़त्म करता है। आखिरकार अकंडा इसे जबरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का इख्तिताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है। जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है। अखंडा 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसकी तहरीर और हिदायतकारी गोयापति सिरू ने की है और इसे द्वारका क्रिश्चंस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में लदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जायजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमाकर कमर्शियल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा केरल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैन अवी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरू। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मलयाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी नाडामुरी बाला कृष्णा। और इसके साथ और हैं परगुवा जायसवाल और इसके अलावा और हैं जगपति बाबू और इसके साथ और हैं इनका साथ और भी दे रहे हैं वो श्रीकांत है। सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी की है सी रम प्रेस ने। एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात कर ली जाए इस फिल्म को जिसने म्यूजिक दिया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2021 को है। 167 मिनट पर मोहित ये मूवी है। ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्य जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म की
स्टारकास्ट और स्पॉटकास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं, यानी कि जो हीरो हैं, वो हैं नाधा मोरी ब्लैक रेशाना इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा, प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS, जगपति बाबू एज निथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहू, पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिल तस्खीर जंगल में शुरू होती है, जहां हिंदुस्तानी फौज एक खौफनाक प्रेग्नेंट किजेंद्र साहू की सख्त तलाश में। इस तसादुम के दौरान किजेंद्र साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है, जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कायनात को कभी चैलेंज ना करना, क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसी वक्त अंतपुर में एक जोड़े रामचंद्रिया और रानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली, जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है। अचानक एक अकोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा किता भाई है, जैसे भगवान शिवा चुनाचे रामचंद्र याने रस्सियां काटी और इसे अकोड़ा के हवाले कर दिया, इसे काशी भेजा गया है। जबकि जब वो मुकदस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अकोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूता मरली कृष्णा एक सालिस है, जिसे देवता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराफ से फले फूले। सरनिया बच्चों पुली एक नए तैनात होने वाले DC हैं, जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफत ने इनके नज़रियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवाजी तौर पर अंता कोरम वार दाद जोलू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी कानूनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर सौ एक रूह के तौर पर वारदार ज्वालों की राह हमवार करते हैं, क्योंकि ये हरी मट्टी है। सरनिया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक इस इलाके में मुतअद्दिद बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां लाभ डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर, लिहाजा घबराहट में मरली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब पद्मावती ने वर्धुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेशगोई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना ये खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मरली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठे। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए, इस वक्त वारदारा जोलू गिंदर सहू के पास चला जाता है, जो अस्पताल में बम रख कर भागता है। इसमें भारत रेड्डी समेत कई अमवात हुई। इसके बाद मरली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया
पेरुमल की सरबराही में NIA ने मुजरिम ठहराया और जेल में डाल दिया। आखिरकार मल्ली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। कुसर्निया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदा जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई, यहाँ मरली कृष्णा के बड़े भाई अकंडर उर्वाद सिकंदर खूर माफूक उल्फित्र ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है, भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकिफ होने के बाद गिंदर साहू खूफ ज़्यादा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा DSP रंजन वारदा जोलू के साइड केक ने सरनिया और पूरे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बद किरदार अफसरों को ख़त्म करता दिखाई देता है। फौरन रंजन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर साहू की रस्म में खलल डालता है। दरियासना धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है। जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है, फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी जिंदगी रब के लिए वक्फ है, जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। गौर करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदात जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया पेरुमल को मालूम है कि मरली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते। अभी तक गिंदर साहू हंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से रابطہ करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है, जो महा मुतंजे होम के इनाकात की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अखंडा शिवा का असीर है। बर वक्त गिंदर साहू और परपर चंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको घेर लिया। ताहम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मरली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से ख़त्म करता है। आखिरकार अखंडा इसे ज़बरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का इख्तिताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है, जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है। जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है। अखंडा 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी गोयापति सिरू ने की है और इसे द्वारका क्रिएशंस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में लदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जायजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमाकर कमर्शियल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा केरल में सबसे ज़्यादा कमाने
कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैन अवी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरलू। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मयाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी नाडामुरी बाला कृष्ण। और इसके साथ और हैं परगुवा जसवाल, और इसके अलावा और हैं जागापति बाबू, और इसके साथ और हैं इनका साथ और भी दे रही हैं वो श्रीकांत है। सैनमा और ग्राफी की बात कर ली जाए तो सैनमा ग्राफी की है सी रम प्रेस ने, एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात कर ली जाए इस म्यूजिक को जिसने म्यूजिक किया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2021 को है। 167 मिनट पर मोहित ये मूवी है। ये जो मूवी है ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पॉट कास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं यानी कि जो हीरो हैं वो हैं नाडामुरी ब्लैक रेशाना इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा, प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS, जगपति बाबू एज निथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहू, पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिल तस्वीर जंगल में शुरू होती है जहां हिंदुस्तानी फौज एक खौफनाक प्रेगनेंट किजेंद्र साहू की सख्त तलाश में। इस तसादम के दौरान किजेंद्र साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है जिसकी हिफाजत जरूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कायनात को कभी चैलेंज ना करना क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसी वक्त अंतपुर में एक जोड़े रामचंद्रिया और धरानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है। अचानक एक पकोड़ा घोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा कितना भाई है। जैसे भगवान शिवा चुनाचे राम चंद्र याने रस्सियां काटी और इसे अखोड़ा के हवाले कर दिया जिसे काशी भेजा गया है। जबकि जब वो मुकद्दस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अखोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूता मरली कृष्णा एक सालिस है जिसे देवता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराफ से फले फूले। सरनिया बच्चू पुली एक नए तैनात होने वाले DC हैं
जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफियत ने इनके नजरियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवादी तौर पर अंता कोरम वार दाद जोलू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी कानूनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर सौ एक रूह के तौर पर वारदात ज्वालों की राह हमवार करते हैं। चूंकि ये हरी मट्टी है, सरनिया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक इस इलाके में मुतद्दद बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां लाभ डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर, लिहाजा घबराहट में मरली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब पद्मावती ने वर्धुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेश गुई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना ये खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मरली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठे। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त वारदारा जोलू गिंदर सहो के पास चला जाता है जो अस्पताल में बम रख कर भागता है जिसमें भारत रेड्डी समेत कई अमवात हो। इसके बाद मरली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया पेरोमल की सरबराही में NIA ने मुजरिम ठहराया और जेल में डाल दिया। आखिरकार मरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। वो सरनिया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदात जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई, यहाँ मरली कृष्णा के बड़े भाई अकंडर उर्वाद सिकंदर उखूड़ माफूक उल्फित्र ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है, भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकिफ होने के बाद गिंदर साहू खूफ ज़दा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा DSP रजन वारदात जोलू के साइड केक ने सरनिया और पुणे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बदकिरदार अफसरों को ख़त्म करता दिखाई देता है। फौरन वरजन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर सहो की रस्म में खलल डालता है। दरअसल धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है। जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है, फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी ज़िंदगी रब के लिए वक्फ है जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया और करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया। इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदात जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया पेरुमल को मालूम है कि मरली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते हैं। अभी तक गिंदर साहू खंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से रब्ता करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर
मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है जो महा मुतंजे होम के इनाकात की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अकंडा शिवा का असीर है। बर वक्त गिंदर साहू और वरपर अचंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको घेर लिया। ताहम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मरली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से खत्म करता है। आखिरकार अकंडा इसे जबरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का इख्तिताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है। जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है। अखंडा 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी गोयापति सिरू ने की है और इसे द्वारका क्रिश्चंस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में नदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जायजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमाकर कमर्शियल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा केरल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैन अवी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरू। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मरियाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी नाडामुरी बाला कृष्णा। और इसके साथ और है परघुआ जायसवाल, और इसके अलावा और है जगपति बाबू, और इसके साथ और हैं, इनका साथ और भी दे रहे हैं वो श्रीकांत है। सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी की है सी रम प्रेस ने, एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात कर ली जाए इस फिल्म को जिसने म्यूजिक किया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2021 को है। 167 मिनट पर मोहित ये मूवी है। ये जो मूवी है ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्तलि जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टारकास्ट और स्पॉटकास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं, यानी कि जो हीरो हैं, वो हैं नाधा मोरी ब्लैक रेशाना इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा। प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS। जगपति बाबू एज निथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहू। पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिले तस्वीर जंगल में शुरू होती है जहां हिंदुस्तानी फौज
एक खौफनाक ब्रेगनेंट किजंदर साहू की सख्त तलाश में। इस तसादुम के दौरान किजंदर साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कायनात को कभी चैलेंज ना करना, क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। इसी वक्त आंतपुर में एक जोड़े राम चंद्रिया और रानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली, जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है। अचानक एक अकोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा कितना भाई है, जैसे भगवान शिवा चुनाचे राम चंद्र यानी रस्सियाँ काटी और इसे अखोड़ा के हवाले कर दिया, इसे काशी भेजा गया है। जबकि जब वो मुकदस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अखोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूटा मरली कृष्णा एक सालिस है जिसे देवता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराफ से फले फूले। सरनिया बच्चों पुली एक नए तैनात होने वाले डीसी हैं जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफियत ने इनके नज़रियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवाजी तौर पर अंता कोरम वार दाद जोलू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर सौ एक रूह के तौर पर वारदात ज्वालों की राह हमवार करते हैं, चूँकि ये हरी मट्टी है। सरनिया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक इस इलाके में मुतअद्दिद बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां लाभ डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर है, लिहाजा घबराहट में मरली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब पद्मावती ने वर्धुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेशगोई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना ये खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मल्ली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठे। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त वारदारा जोलू गिंदर साहू के पास चला जाता है जो अस्पताल में बम रख कर भागता है, इसमें भारत रैली समेत कई अमवात हो। इसके बाद मरली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया पेरोमल की सरबराही में NIA ने मुजरिम ठहराया और जेल में डाल दिया। आखिरकार मरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। सरनिया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदात जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई, यहां मरली कृष्णा के बड़े भाई अकंडर उर्वाद सिकंदर खूर माफूक उल्फितरत ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है, भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकिफ होने के बाद गिंदर साहू खौफज़दा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा DSP रंजन वारदात जोलू के साइड केक ने सरनिया और
पूरे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बद करदार अफसरों को खत्म करता दिखाई देता है। फौरन वरजन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर सहो की रस्म में खलल डालता है। दरियासना धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है, जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है। फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी जिंदगी रब के लिए वक्फ है, जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। और करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदात जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हो। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया पेरुमल को मालूम है कि मरली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते हैं। अभी तक गिंदर साहू हंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से रابطہ करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है, जो महा मुतंजे होम के इनाकात की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अकंडा शिवा का असीर है। बरवक्त गिंदर साहू और परपर चंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको घेर लिया। ताहम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मरली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से ख़त्म करता है। आखिरकार अकंडा इसे ज़बरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का इख्तिताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है, जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है, जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है। अखंडा 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी गोयापति सिरू ने की है और इसे द्वारका क्रिएशंस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में नदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जैजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमाकर कमर्शियल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा केरल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैन अवी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरू। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मलयाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं जी नाडामुरी बाला कृष्णा और इसके साथ और हैं परगुवा जसवाल और इसके अलावा और हैं जागापति बाबू और इसके साथ और हैं इनका साथ और भी दे रहे हैं वो श्रीकांत है। सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी की है सी ट्रम्प प्रेस
ने एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात कर ली जाए इस फिल्म को जिसने म्यूजिक किया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2000 किसको है 167 मिनट पर मोहित ये मूवी है। ये जो मूवी है ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्तलि जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पॉट कास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं यानी कि जो हीरो हैं वो हैं नाधा मोरी, ब्लैक रेशाना इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा, सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा, प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS, जगपति बाबू एज निथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहू, पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिल तस्वीर जंगल में शुरू होती है जहां हिंदुस्तानी फौज एक खौफनाक प्रेगनेंट गिजेंद्र साहू की सख्त तलाश में। इस तसादुम के दौरान गिजेंद्र साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कायनात को कभी चैलेंज ना करना क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। इसी वक्त अंतपुर में एक जोड़े राम चंद्रिया और रानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है। अचानक एक अखोड़ा उस वक्त आता है घोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा कितना भाई है। जैसे भगवान शिवा चुनाचे राम चंद्र यानी रस्सियाँ काटी और इसे अखोड़ा के हवाले कर दिया जिसे काशी भेजा गया है। जबकि जब वो मुकदस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अखोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूता मरली कृष्णा एक सालिस है जिसे देवता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराफ से फले फूले। सरनिया बच्चों पुली एक नए तैनात होने वाले DC हैं जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफियत ने इनके नज़रियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवाजी तौर पर अंतापुरम वारदात जो लू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर सौ एक रूह के तौर पर वारदात ज्वालों की राह हमवार करते हैं क्योंकि ये हरी मट्टी है। सरनिया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक
इस इलाके में मुतअद्दिद बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां लाहक डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर है। लिहाजा घबराहट में मल्ली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब पद्मावती ने वर्धुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेश गोई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना यह खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मल्ली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठी। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त वारदारा जुलू गिंदर सहू के पास चला जाता है जो अस्पताल में बम रखकर भागता है। इसमें भारत रेड्डी समेत कई अमवात हुई। इसके बाद मल्ली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया पेरोमल की सरबराही में NIA ने मुजरिम ठहराया और जेल में डाल दिया। आखिरकार मल्ली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। उसर्निया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदात जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई, यहाँ मल्ली कृष्णा के बड़े भाई अकंडर उर्वाद सिकंदर उखूड़ माफूक उल्फितर ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है। भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकिफ होने के बाद गिंदर साहू खौफज़दा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा DSP रंजन वारदात जोलू के साइड केक ने सरनिया और पूरे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बद किरदार अफसरों को खत्म करता दिखाई देता है। फौरन वरजन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर साहू की रस्म में खलल डालता है। दरअसल धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है। जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है, फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी जिंदगी रब के लिए वक्फ है, जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया और करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया। इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदात जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हो। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया पेरुमल को मालूम है कि मल्ली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते हैं। अभी तक गिंदर साहू हंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से रابطہ करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है जो महा मुतंजे होम के इनाकात की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अखंडा शिवा का असीर है। बर वक्त गिंदर साहू और वरपर अचंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको घेर लिया। ताहम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मल्ली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से ख़त्म करता है। आखिरकार अखंडा इसे जबरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का अख्ताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है, जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है। अखंडा
2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी भोयापति सिरू ने की है और इसे द्वारका क्रिएशंस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में नदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई ये कंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जैजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमाकर कमर्शियल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा केरल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैन अवी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरू। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मरियाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं जी नाडामुरी बाला कृष्णा, और इसके साथ और हैं परगुवा जसवाल, और इसके अलावा और हैं जागापति बाबू, और इसके साथ और हैं इनका साथ और भी दे रहे हैं वो श्रीकांत है। सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी की है सी रम प्रेस ने, एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात कर ली जाए इस फिल्म को जिसने म्यूजिक दिया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2021 को है। 167 मिनट पर मोहित ये मूवी है। ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्य जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पॉट कास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं, यानी कि जो हीरो हैं, वो हैं नाधा मोरी ब्लैक रेशाना इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा, प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS, जगपति बाबू एज नेथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहू, पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिल तस्वीर जंगल में शुरू होती है, जहां हिंदुस्तानी फौज एक खौफनाक ब्रेगनेंट गिजेंद्र साहू की सख्त तलाश में। इस तसादुम के दौरान गिजेंद्र साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कैनात को कभी चैलेंज ना करना, क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसी वक्त अंतपुर में एक जोड़े राम चंद्रिया और रानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली, जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है।
अचानक एक पकोड़ा उस वक्त आता है घोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है, और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा कितना भाई है। जैसे भगवान शिवा चुनाचे राम चंद्र याने रस्सियाँ काटी और इसे अखोड़ा के हवाले कर दिया, इसे काशी भेजा गया है। जबकि जब वो मुकदस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अखोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूता मरली कृष्ण एक सालिस है जिसे द्योता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराफ से फले फूले। सरनिया बच्चों कुली एक नए तैनात होने वाले डीसी हैं जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफत ने इनके नज़रियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवाजी तौर पर अंता कोरम वार दाद जोलू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी कानकुनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर सौ एक रूह के तौर पर वारदात ज्वालों की राह हमवार करते हैं क्योंकि ये हरी मट्टी है। सन्या को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक इस इलाके में मुतद्दद बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां लाह डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर है। लिहाजा घबराहट में मरली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब पद्मावती ने वर्धुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेश गुई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना यह खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मरली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठे। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त वारदारा जोलू गिंदर सहो के पास चला जाता है जो अस्पताल में बम रख कर भागता है जिसमें भारत रेड्डी समेत कई अमवात को। इसके बाद मरली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया पेरोमल की सरबराही में NIA ने मुजरिम ठहराया और जेल में डाल दिया। आखिरकार मरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। वो सरनिया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदात जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई यहाँ मरली कृष्णा के बड़े भाई अकंडर उर्वाद सिकंदर उखूर माफूक उल्फितरत ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है, भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकफित होने के बाद गिंदर साहू खूफ ज़्यादा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा DSP रजन वारदा जोलू के साइड केक ने सरनिया और पूरे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बद किरदार अफसरों को ख़त्म करता दिखाई देता है। फौरन वरजन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर सहो की रस्म में खलल डालता है। दरियासना धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है। फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी ज़िंदगी रब के लिए वक्फ है जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया।
गौर करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदार जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया पेरुमल को मालूम है कि मुरली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते हैं। अभी तक गिंदर साहू हंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से रابطہ करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है जो महा मुतंजे होम के इनाकात की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अकंडा शिवा का असीर है। बरवक्त गिंदर साहू और परपर अचंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको खेल लिया। ताहम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मुरली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से ख़त्म करता है। आखिरकार अकंडा इसे जबरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का इख्तिताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है, जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है। अकंडा 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसकी तहरीर और हिदायतकारी बोयापति सिरू ने की है और इसे द्वारका कृष्णस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में नदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जायजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमाकर कमर्शियल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा करियर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैन अवी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरू। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मरियाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी नाडामुरी बाला कृष्णा। और इसके साथ और है परगुआ जसवाल, और इसके अलावा और है जागापति बाबू, और इसके साथ और हैं, इनका साथ और भी दे रही हैं वो श्रीकांत है। सिनेमाटोग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाटोग्राफी की है सी रम प्रेस ने, एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूज़िक की बात कर ली जाए, इस फिल्म को जिसने म्यूज़िक दिया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2021 को है। 167 मिनट पर मुहित ये मूवी है। ये जो मूवी है ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्य जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म की
स्टारकास्ट और स्पॉटकास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं, यानी कि जो हीरो हैं, वो हैं नाधा मोरी ब्लैक रेशाना इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा, प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS, जगपति बाबू एज नेथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहू, पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिल तस्वीर जंगल में शुरू होती है, जहां हिंदुस्तानी फौज एक खौफनाक प्रेग्नेंट किजेंद्र साहू की सख्त तलाश में। इस तसादुम के दौरान किजेंद्र साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है, जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कायनात को कभी चैलेंज ना करना, क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसी वक्त अंतपुर में एक जोड़े राम चंद्रिया और रानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली, जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है। अचानक एक अकोड़ा उस वक्त आता है घोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है, और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा कित्ता भाई है, जैसे भगवान शिवा चुनाचे राम चंद्र याने रस्सियां काटी और इसे अखोड़ा के हवाले कर दिया, इसे काशी भेजा गया है। जबकि जब वो मुकद्दस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अखोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूटा मरली कृष्णा एक सालिस है, जिसे देवता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराफ से फले फूले। सरनिया बच्चों पुली एक नए तैनात होने वाले TC हैं, जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफत ने इनके नज़रियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवाजी तौर पर अंतापुरम वारदात जो लू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी कानकुनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर सौ एक रूह के तौर पर वारदात ज्वालों की राह हमवार करते हैं, क्योंकि ये हरी मट्टी है। सरनिया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक इस इलाके में मुतद्दद बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां लाभ डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर है, लिहाजा घबराहट में मरली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब पद्मावती ने वर्धुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेशगोई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना यह खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मरली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठे। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त वारदारा जोलू गिंदर साहू के पास चला जाता है, जो अस्पताल में बम रख कर भागता है, जिसमें भारत रेड्डी समेत कई अमवात हो। इसके बाद मरली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया पेरोमल की सरबराही में
NIA ने मुजरिम ठहराया और जेल में डाल दिया। आखिरकार मल्ली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। वो सरनिया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदात जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई, यहाँ मल्ली कृष्णा के बड़े भाई अकंडा उर्वाद सिकंदर उखूर माफूक उल्फितरत ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है, भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकिफ होने के बाद गिंदर साहू खूफ जदा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा डीएसपी रजन वारदा जोलू के साइड केक ने सरनिया और पूरे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बद किरदार अफसरों को ख़त्म करता दिखाई देता है। फौरन वरजन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर साहू की रस्म में खलल डालता है। दरअसल धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है, जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है। फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी ज़िंदगी रब के लिए वक्फ है, जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। और करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदात जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया पेरुमल को मालूम है कि मल्ली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते हैं। अभी तक गिंदर साहू हंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से राब्ता करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है, जो महामुतंजे होम के इनाकाद की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अकंडा शिवा का असीर है। बर वक्त गिंदर साहू और परपर चंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको घेर लिया। काम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मल्ली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से ख़त्म करता है। आखिरकार अकंडा इसे ज़बरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का अख्ताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है, जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है। जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है। अकंडा 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी बोयापति सिरू ने की है और इसे द्वारका क्रिश्चंस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में नदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जायजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमाकर कमर्शियल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा केरल में सबसे ज़्यादा कमाने
कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरंगू। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मलयाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी नाडामुरी बालकृष्ण। और इसके साथ और हैं परगुआ जसवाल, और इसके अलावा और हैं जगापति बाबू, और इसके साथ और हैं इनका साथ और भी दे रहे हैं वो श्रीकांत है। सिनेमाटोग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाटोग्राफी की है सी रम प्रेस ने, एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात कर ली जाए इस फिल्म को जिसने म्यूजिक किया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2021 को है। 167 मिनट पर मोहित ये मूवी है। ये जो मूवी है ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पॉट कास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं, यानी कि जो हीरो हैं, वो हैं नाडामुरी बालकृष्ण इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा। प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS। जगपति बाबू एज नेथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहू। पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिले तस्वीर जंगल में शुरू होती है जहां हिंदुस्तानी फौज एक खौफनाक प्रेग्नेंट किजेंद्र साहू की सख्त तलाश में। इस तसादम के दौरान किजेंद्र साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है जिसकी हिफाजत जरूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कायनात को कभी चैलेंज ना करना क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसी वक्त अंतपुर में एक जोड़े राम चंद्रिया और रानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है। अचानक एक अकोड़ा घोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा कित्ता भाई है, जैसे भगवान शिवा चुनाचे राम चंद्र याने रस्सियाँ काटी और इसे अखोड़ा के हवाले कर दिया। इसे काशी भेजा गया है जबकि जब वो मुकदस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अखोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूटा मरली कृष्ण एक सालिस है जिसे देवता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराफ से फले फूले। सरनिया बच्चू पुली एक नए तैनात होने वाले DC हैं
जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफियत ने इनके नजरियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवाजी तौर पर अंतापुरम वारदात जो लू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी कानूनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर सौ एक रूह के तौर पर वारदात ज्वालों की राह हमवार करते हैं। चूंकि ये हरी मट्टी है, सन्या को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक इस इलाके में मुतअद्दिद बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां लाभ डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर, लिहाजा घबराहट में मरली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब पद्मावती ने वर्धुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेश गुई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना यह खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मरली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठे। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त वारदारा जुलू गिंदर सहू के पास चला जाता है जो अस्पताल में बम रख कर भागता है जिसमें भारत रेड्डी समेत कई अमवात हो। इसके बाद मरली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया पेरोमल की सरबराही में NIA ने मुजरिम ठहराया और जेल में डाल दिया। आखिरकार मरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। उसर्निया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदात जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई, यहाँ मरली कृष्णा के बड़े भाई अकंडर उर्वद सिकंदर उखूड़ माफूक उलफितरत ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है, भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकिफ होने के बाद गिंदर साहू खौफजदा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा DSP रजन वारदा जोलू के साइड केक ने सरनिया और पूरे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बद किरदार अफसरों को खत्म करता दिखाई देता है। फौरन वरजन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर साहू की रस्म में खलल डालता है। दरअसल धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है। जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है, फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी जिंदगी रब के लिए वक्फ है जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया और करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया। इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदात जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया परुमल को मालूम है कि मरली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते हैं। अभी तक गिंदर साहू हंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से रابطہ करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर
मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है जो महा मुतंजे होम के इनाकात की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अकंडा शिवा का असीर है। बर वक्त गिंदर साहू और परपर चंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको खेल लिया। ताहम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मरली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से खत्म करता है। आखिरकार अकंडा इसे जबरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का अख्ताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है, जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है। जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है। अकंडा 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसकी तहरीर और हिदायतकारी गोयापति सिरु ने की है और इसे द्वारका कृष्णस के तहत मीर याला रविंदर रेड्डी ने तैयार किया था। इसमें प्रखिया जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ दोहरे किरदार में लदा मोरी बाला कृष्णा है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थामन एस ने तरतीब दिया था। दिसंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा नाकदीन और सामिन के मिले जुले जायजों के लिए खुला। फिल्म में साउंड ट्रैक की वजह से इस फिल्म को मकबूलियत हासिल हुई। ये दो फिल्म दुनिया भर में 120.8 करोड़ से ज़्यादा कमाकर कमर्शियल बन गई, जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बाला कृष्णा करियर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अखंडा को हिंदुस्तान के 3वें बैन अवी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरामा मेन स्ट्रीम सेक्शन में दिखाया गया था। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो है जी भोयापति सिरु। इसके अलावा इस फिल्म को जिसने राइट किया है वो भी यही है, यानी कि भोयापति। और इसके अलावा इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है वो है मरियाला रविंदर रेड्डी। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी नाडामुरी बाला कृष्णा। और इसके साथ और हैं परगुवा जायसवाल, और इसके अलावा और हैं जगपति बाबू, और इसके साथ और हैं इनका साथ और भी दे रहे हैं वो श्रीकांत है। सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी की है सी रम प्रेस ने। एडिट बाई ने इस फिल्म को एडिट की है वो है दोस्तों कोतागिरी। और इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात कर ली जाए इस फिल्म को जिसने म्यूजिक किया है वो है थमान एस। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए जहाँ पर आपको ये मूवी देखने को मिलेगी तो वो है डी वर्का क्रिटियंस। रिलीज डेट इसकी 2 दिसंबर 2021 को है। 167 मिनट पर मुहित ये मूवी है। ये जो मूवी है ये भारत में बनाई गई, ऑनर इसके भारत के थे। तेलुगु जबान में इस फिल्म को बनाया गया, बाद में मुख्तलिफ जबानों में इसको रिलीज भी किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60-70 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 से 128 करोड़ का बिजनेस भी किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पॉट कास्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं, यानी कि जो हीरो हैं, वो हैं नाधा मोरी ब्लैक रेशाना इन अ ड्यूअल रोल एज अखंडा रुद्रा सिकंदर आगरवा एंड मुरली कृष्णा। प्रिया जायसवाल एज सरिया बिचोपली IAS। जगपति बाबू एज निथान मीठा एज अ गिजेंद्रा सहू पूर्णा एज एंड अविनेश एज प्री सुमंदर। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि फिल्म एक नाकाबिले तस्वीर जंगल में शुरू होती है जहाँ हिंदुस्तानी फौज
एक खौफनाक ब्रेगनेंट किजेंद्र साहू की सख्त तलाश में। इस तसादुम के दौरान किजेंद्र साहू शदीद जख्मी हुआ और इसे एक मजहबी तंजीम महरू पट्टम के सरबराह ने बचाया, जिस पर वो सरदार को ये कहते हुए सुनता है कि खुदा की मौजूदगी फितरत में है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। इसके अलावा आवाम ने इसकी कुर्सी की वजह से सरदार के आगे सर झुका दिया, लिहाजा वो फितरत के साथ खेलने के लिए सरदारों और कबीलों को मारकर इसे फतह करता है। मरने से पहले वो कहता है कि तकदीर खालिक और कायनात को कभी चैलेंज ना करना क्योंकि वो इसके जवाब का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। इसी वक्त आंतपुर में एक जोड़े राम चंद्रिया और रानी को जुड़वा बच्चों की नेमत मिली जिनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ है। अचानक एक अकोड़ा घोड़ा उस वक्त आता है जब माँ सो रही होती है और ये जहर करती है कि एक फितरत है और मुर्दा पैदा होना शुरा कित्ता भाई है, जैसे भगवान शिवा चुनाचे राम चंद्र यानी रस्सियाँ काटी और इसे अखोड़ा के हवाले कर दिया, इसे काशी भेजा गया है। जबकि जब वो मुकदस मकाम पर रखा जाता है तो वो जिंदा उठता है और अखोड़ों की हिफाजत में उठाया जाता है। साल गुजरते जाते हैं और अछूटा मरली कृष्णा एक सालिस है जिसे देवता के तौर पर जाना जाता है। इसका मकसद गरोबंदी को ख़त्म करना है ताकि ये खिता चारों अतराफ से फले फूले। सरनिया बच्चों पुली एक नए तैनात होने वाले डीसी हैं जिनकी मरली कृष्णा के साथ वाकफत ने इनके नज़रियात के बारे में जानने के बाद एक ऐसी मुखालफत शुरू कर दी जो उनको कुचलने में बदल जाता है। मतवाजी तौर पर अंता कोरम वार दाद जोलू एक दरिंदा एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निकालने की गैर कानूनी कानकुनी का कानूनी तौर पर इंतजाम करता है। इसके अलावा मजदूरों को गैर इंसानी हालात का निशाना बनाया जाता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। गिंदर साहू एक रूह के तौर पर वारदात ज्वालों की राह हमवार करते हैं क्योंकि ये हरी मट्टी है। सरनिया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावती को खुफिया इंक्वायरी का काम सौंप देती है। अबूरी तौर पर मरली कृष्णा और सरना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक बच्ची की पैदाइश हुई है। अचानक इस इलाके में मुतअद्दिद बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां लाहक, डॉक्टरान के पीछे की वजह मालूम करने से कासिर है। लिहाजा घबराहट में मरली कृष्णा ने हुकूमती हुकाम को ढूंढा। जब पद्मावती ने वर्धुआ जुलू की वहशाना सरगर्मियों का इंकशाफ किया और पेशगोई की कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए वरना यह खिता एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। इसको सुनकर मल्ली कृष्णा वारदात जुलू पर भड़क उठे। जब इनके साथी मरकजी वजीर भरत रेड्डी ने इसे रोका और इसे अस्पताल ले गए। इस वक्त वारदारा जोलू गिंदर साहू के पास चला जाता है जो अस्पताल में बम रख कर भागता है जिसमें भारत रेड्डी समेत कई अमवात हुई। इसके बाद मरली कृष्णा को कृष्णुमा चालिया पेरोमल की सरबराही में NIA ने मुजरिम ठहराया, जेल में डाल दिया। आखिरकार मरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार हो जाता है। वो सरनिया शहर के अस्पताल पहुंच जाती है। रास्ते में इन पर वारदात जोलू के आदमियों ने हमला किया। जब वो फरार होकर एक कदीम गार के मंदिर में दाखिल हुई, यहाँ मरली कृष्णा के बड़े भाई अकंडा उर्वाद सिकंदर उखूर माफूक उल्फितरत ताकतों के साथ जो मंदिरों की बहाली के मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करता है, बच्चे को जिंदा करता है, भाई फौज इसे छोड़ देता है। इससे वाकफित होने के बाद गिंदर साहू खौफज़दा है और अखंडा को खुदा का जवाब समझता है। इसके अलावा DSP रजन वारदात जोलू के साइड केक ने सरनिया और
पूरे खानदान को पकड़ लिया। इन्हें मारने के रास्ते पर अखंडा बद किरदार अफसरों को खत्म करता दिखाई देता है। फौरन वरज्जन की लाश फेंक कर और उसे अल्टीमेटम देकर किंदर सहो की रस्म में खलल डालता है। दरियासना धरानी को इस हकीकत का इल्म होता है, जब वो इनकी सरजनिश करती है और अपने बेटे को वापस लाने का फैसला करती है। फिर कंडा ने ऐलान किया कि इसकी जिंदगी रब के लिए वक्फ है, जो माँ को परेशान करती है क्योंकि इसने दोनों को खो दिया था। बहरहाल वो बच्चे के लिए नामालूम प्यार पैदा करता है। एक बार अखंडा ने पद्मावती को एक दरिया पर देखा और इसे अपनी यौगिक ताकतों से पता लगा लिया। वारदात जोलू के जरिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। और करते हुए इसने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, इसलिए वो कानकुनी के इलाके में वारदात जोलू पर हमला करता है और इसे पेश करता है और मजदूरों को रहा करता है। फिलहाल कृष्णुमा चालिया पेरुमल खून की होली के लिए अखंडा पर कब्जा करने के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया से इंतहा पसंदी और फितरत के तवाज़ुन को बगाड़ने की कोशिश करने वाले मुर्दों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कृष्णुमा चालिया पेरुमल को मालूम है कि मरली कृष्णा पद्मावती के जरिए गैर मुजरिम है और इसे बरी कर देते हैं। अभी तक गिंदर साहू हंड को मारने के लिए एक कपालिक तंत्रिक यरचंदर से राब्ता करता है, इसलिए इन्होंने बच्चे पर मौत की लानत भेजी। जब कंडा का सी से गिदारी अगवारी बाबा को फोन करता है, जो महा मुतंजे होम के इनाकाद की पेशन गोई करता है। रस्म की तकमील तक अकंडा शिवा का असीर है। बर वक्त गिंदर साहू और परपर चंदा ने एक जाल तैयार किया और इसको खेल लिया। ताहम वो दर्द को बर्दाश्त करता है और मरली कृष्णा की मदद से रस्म को कामयाबी से ख़त्म करता है। आखिरकार अकंडा इसे ज़बरदस्त ताकतों के साथ जहर करता है, तबाही मचा देता है और बदमाशों को रोक देता है। आखिर में फिल्म का अख्ताम अखंडा के छोड़ने के साथ होता है, जो बच्चे की तरफ से रुकावट बनता है जब वो इसे अपनी शक्ति के किसी भी वक्त पहुंचने की कसम खाता है।